हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों को होम बेस्ड केयर के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हॉस्पिटल में कैसे कैसे केयर प्रोवाइड किया जाता है या हॉस्पिटल बेस्ड केयर कौन कौन से है। नमस्कार दोस्तों, मैं सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल बेस्ड केयर की, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हॉस्पिटल बेस्ड केयर है वो क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल एरिया में प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो हम उसे कहते हैं हॉस्पिटल बेस्ड केयर। पहले भी हम प्रोवाइड कर रहे थे होम बेस्ड केयर में, लेकिन उनके घर पर जाकर, उनके घर में रहकर या उनके साथ और बहुत सारी तरीके की बातें करके, या फिर जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए हम वहाँ पर रह रहे हैं उसी चीज़ से रिलेटेड हम क्या करते थे, वहाँ पर वर्क करते थे। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल बेस्ड केयर की बात करें तो इसमें जो भी पेशेंट के लिए ज़रूरी होगा उसको हम करेंगे, हम उसे पेशेंट के रिलेटिव से नहीं पूछेंगे या किसी और से नहीं पूछेंगे। जो पेशेंट के लिए ज़रूरी होगा, जो मेडिकल ट्रीटमेंट या जो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए पूछना पड़ता है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं पूछना पड़ेगा कि हमको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो हमको जो भी हॉस्पिटल में ज़रूरी होगा पेशेंट के लिए, हम उस काम को करेंगे, वो क्या कहलाएगा, हॉस्पिटल बेस्ड केयर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस मेडिकल ट्रीटमेंट में कौन कौन से केयर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका इमरजेंसी या एम्बुलेटरी केयर, दूसरा है आपका एक्यूट केयर, और तीसरा है आपका कंटिन्यूइंग केयर। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरजेंसी केयर की या एम्बुलेटरी केयर की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम जब हमको आपात स्थिति हो या इमरजेंसी की स्थिति हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, उसके बाद जब हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर आ रहे हैं, तब हम जो केयर प्रोवाइड करेंगे वो क्या कहलाएगा, इमरजेंसी केयर कहलाएगा। और एम्बुलेटरी केयर की अगर बात करें, एग्जाम्पल मैं वही लेना चाहूँगी कि जब आप या किसी पेशेंट का जो है एक्सीडेंट हो गया है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत होगी, तब हम उसको एम्बुलेंस से लेकर एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका एम्बुलेटरी केयर कहलाता है। तो ये हॉस्पिटल के द्वारा ही सुविधाएं अब प्रदान की जा रही है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए हो, तो ये दोनों केयर इसमें आती है हॉस्पिटल बेस्ड केयर में। दूसरा है दोस्तों एक्यूट केयर। एक्यूट केयर में जो है, कभी अचानक से अगर पेन हुआ या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, एपिगैस्ट्रिक पेन, हार्ट पेन, या फिर शॉक लग रहा है, किसी को सांस नहीं आ रही है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि एक्यूट कंडीशन में आती है, तो उस एक्यूट कंडीशन में अगर आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब हम उसे एक्यूट केयर में लेते हैं, जिसमें कि पेशेंट को आप जब तक रखते हैं या जब तक वहाँ पर वो पेशेंट रह सकता है, हॉस्पिटल में रह सकता है, जब तक कि उसे जो एक्यूट रीज़न था या एक्यूट डिसीज जो थी वो जब तक कंप्लीट ठीक नहीं हो जाती है, तब हम उसको रखते हैं। ये जो समय है आपका एक दिन या एक घंटे, दो घंटे या पूरे 24 आवर्स के लिए भी हो सकता है, अलग अलग डिसीज कंडीशन के लिए अलग अलग एक्यूट केयर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात करते हैं कंटिन्यूइंग केयर की। आपने एक्यूट केयर किया, एक्यूट केयर करने के बाद पेशेंट को और स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में ही रखना पड़ रहा है, जिस किसी भी वार्ड में वो रहे, ठीक है, चाहे वो जनरल वार्ड में रहता है या आईसीयू में रहता है, या फिर आप उसे अपने पर्सनल रूम में रखते हैं, तो उस समय जो केयर प्रोवाइड की जाएगी उसको स्टेबल रखने के लिए, बाद में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूइंग केयर कहेंगे, जो कि हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है। उसमें बहुत सारे उसके डायग्नोस किए जाते हैं कि हमने जो ट्रीटमेंट करना था वो ट्रीटमेंट कर दिया है और वो प्रभावी हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी भी इसमें जानकारी रखी जाती है। दोस्तों, इसमें एक और जो है आपका केयर आता है, जिसे हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। ये थोड़ा हटकर है। रिहैबिलिटेशन में होता है कि आप पेशेंट को अगर
लेकर आए हैं या फिर पेशेंट एडमिट हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जैसे वो पहले था, जैसे पहले था मतलब जब वो स्वस्थ था, उसी कंडीशन में अगर हम पेशेंट को वापस लेकर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिहैबिलिटेशन कहलाता है। ये मेंटल रिहैबिलिटेशन भी हो सकता है, फिजिकल रिहैबिलिटेशन भी हो सकता है, ठीक है। कोई सर्जरी हमने की है उसके बाद उसको हमने रिहैबिलिटेट किया है कि वो अपने जो जिस एरिया में वो रहता है उस एरिया में वो अपने आप को बैलेंस बिठा सके, उसके साथ वो काम कर सके। कई बार क्या होता है, अगर पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद वो क्या हो सकता है कि अगर उसका पैर जो है हमने काट दिया है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा वो चल फिर नहीं सकता है, तो उसको अच्छा फील नहीं होता है या फिर वो अपने आप को बहुत ही कम महसूस करता है। उस कंडीशन में अगर हम उसको रिहैबिलिटेशन देते हैं जिसमें कि हम उसको मेंटल केयर प्रोवाइड करेंगे, तो इस मेंटल केयर के द्वारा हम उसे क्या कर रहे हैं, रिहैबिलिटेट कर रहे हैं और उसको उस माहौल के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए सिखा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिहैबिलिटेशन कहलाएगा। ये था दोस्तों कि हॉस्पिटल बेस्ड केयर में हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और साथ ही किन किन चीज़ों को हमको हॉस्पिटल बेस्ड केयर में देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दे, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि इसी तरह की जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।